एक तरफ रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है और दूसरी तरफ जापान को भी आंखें दिखा रहा है। जापान ने दावा किया है कि रूस का एक प्लेन उसकी वायु सीमा के बिल्कुल पास आ गया था। जापान से विवाद की वजह इस तस्वीर में है। जापान सागर में चीन के साथ मिलकर रूस ने अपनी ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। ये 30 साल में रूस की सबसे बड़ी नेवल वॉर फेयर ड्रिल बताई जा रही है। इसमें रूस के साथ चीन के युद्धपोत शामिल हैं। नई तस्वीरों में रूस के फाइटर जेट्स और बॉम्बर प्लेन लगातार उड़ान भरते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ समंदर के अंदर कमांडो टीम का डिफेंस और अटैक वाला कॉम्बिनेशन दिखाई दिया। पानी के अंदर ऑटोमेटिक वेपन से गोलियां बरसाई गईं। लेकिन जापान ने रूस और चीन की एक्सरसाइज के बीच आपत्ति जताई। जापानी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक रूसी जेट ने जापान के हवाई क्षेत्र के पास उड़ान भरी। ये फ्लाइट रूस के TU-142 विमान की थी जो जापान और साउथ कोरिया के बीच साउथ ओकिनवा वाले इलाके तक पहुंच गए। इससे पहले 2019 में ऐसी सिचुएशन बनी थी, तब रशियन प्लेन जापान की हवाई सीमा में दाखिल हो गए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।